पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सब्जी मंडी में यूं तो सब्जी ही बिकती है, लेकिन मुरादाबाद की सब्जी मंडी में इन दिनों फ्लैट्स भी बिक रहे हैं। मंदी के दौर में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को फ्लैट्स के खरीदार ढूंढे नहीं मिल रहे। ऐसे में एमडीए ने फ्लैट बेचने के लिए मंडी समिति में स्टॉल लगाया है, जहां किफायती दरों पर फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं। हालांकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अफसरों का तर्क है कि इससे वो वास्तविक खरीदारों तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल तो एमडीए का सब्जी मंडी में लगा ये स्टॉल शहर में चर्चा का विषय है। सब्जी मंडी में सब्जी के साथ फ्लैट्स वाले इस स्टॉल पर लोग चटकारे लेकर चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बने उनके फ्लैट्स में खरीदार रुचि नहीं दिखा रहे हैं। निर्माण की घटिया क्वालिटी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। नया मुरादाबाद योजना के अलग अलग सेक्टरों में एमडीए ने फ्लैट्स बनाए। अलग अलग कैटेगरी में बने इन फ्लैट में खरीदारों ने रुचि नहीं दिखाई, जिसकी वजह से ये खंडर होते चले गए। मझूला थाने के बैक साइड में बने 2 BHK फ्लैट 10 साल बाद भी वीरान पड़े हैं। यही हाल इसके पास बने EWS फ्लैट्स का है। घटिया आर्किटेक्चर और निर्माण की निम्न क्वालिटी के कारण लोग इन फ्लैट्स को खरीदना नहीं चाहते। नया मुरादाबाद के बाकी सेक्टर में बने फ्लैट्स का भी यही हाल है। इसके अलावा मंडी समिति के पीछे बने EWS हो या फिर लाइन पार्क, कटघर और दूसरे क्षेत्रों में बनाए गए फ्लैट्स, एमडीए को इनके खरीदार ढूंढे नहीं मिल रहे। कुछ हमारी पूर्व योजनाएं जो लाभकारी तो ये पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो संपत्तियां अलोकप्रिय थी उनको लोकप्रिय बनाने के लिए और लोगों के बीच पहुँचाने के लिए हम लोगों ने कार्य किया है। इसमें हम लोग कैंप लगाने की क्रिया कर रहे हैं, जहाँ सार्वजनिक लोग हैं, जहाँ इस तरह के लोग हैं जो इन संपत्तियों को खरीदारी देने के लिए तैयार हैं। मंडी समिति है, मेले हैं और चौरा और फैक्ट्रियाँ हैं, इन हवाओं को हम तैयार कर रहे हैं जिससे उन संपत्तियों को विक्रय करके सुचारू रूप से कैंप लगा करके हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो हमारी संपत्तियों की सुविधा है, कौन कौन से प्लॉट खड़ी है, किस तरह के लोग इच्छुक हैं, उनकी हम सर्वे टीम बना रहे हैं, उनकी स्टेट कर रहे हैं और उनसे विक्रय करना कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।